सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, अमीना बुटीक में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 41 और 42 साइज में तख्ती फ्रंट और तीरा। आप 1 से 10 तक गले में कितना रखेंगे और उसका फ्रंट क्या होगा, उसका तीरा क्या होगा, तो ये इस वीडियो में है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप ये जैसे हमारे ये 50 तक ब्रेस्ट का नाप हो जाएगा तो मैं आपको 50 के बाद एक कमीज पे ऐसे सिंपल सिर्फ एक समझाने के लिए आपको कि आप किस हिसाब से इसको काटेंगे, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तीरा इस हिसाब से कम कर लो, किस हिसाब से सेव देंगे, कितना कंधे डाउन करेंगे, तो 50 ब्रेस्ट होते ही मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और ये चीज़ सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और एक चीज़ और, जब ये आप 30 ब्रेस्ट से 50 ब्रेस्ट तक नोट कर लेंगे ना एक नोटबुक पे, तो आपके लिए एक तरीके से ये इतना सीधा सीधा हो जाएगा कि आपको मान लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यही नाप आते हैं 30 से 50 तक। अब 50 साइज तक तैयार नाप बता रहा हूँ, जो लूजिंग देते हैं हम नाप लेने के बाद, ठीक है। अगर हम तैयार नाप, आपको कोई भी नाप आया और आपने नोटबुक में अपनी कॉपी कर लिया कि हाँ भाई 1 से 10 तक, क्योंकि जो मैं 1 से 10 तक बता रहा हूँ, आगे गला चाहे 7 हो चाहे 6.5 हो, ठीक है, 6 इंच तो मिनिमम रख रहा हूँ मैं, क्या आगे चाहे 8 हो, लेकिन आपको वो तीरा उतना ही रखना है जो मैं बता रहा हूँ। आगे का गला मैं 6 या 7 लेके चलूँगा समझाने के तौर पे, लेकिन अगर आपका गला आगे 8 भी है तो भी आप उतना ही तीरा रखें जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, जब आप 30 से लेके 50 तक नोटबुक में आप एक बना लोगे, लिख लोगे अपने एक रजिस्टर में जहाँ पे आप कॉपी करते हो कुछ भी जो भी, ठीक है, उस नोटबुक में आप देखो, कभी भी किसी का भी सूट काटो या अपना काटो, तो आप गले के हिसाब से जो मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आप काट दो और आप देखो फर्क बहुत पड़ेगा आपको। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये नहीं कि आपको हर बार आपको खोल के देखना पड़ेगा। जब आप रेगुलर काम करते रहेंगे, मान लीजिए आप कभी कभी बनाते हैं तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर जो रेगुलर करने वाला होगा, किसी की बुटीक होगी या कुछ कोई अपने कपड़े कुछ ज़्यादा बनाता है, उनके लिए इतना आसान हो जाएगा कि जब एक बार, जैसे होता है अब लेडीज़ों में मैं लेता हूँ, कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। मान लीजिए रोटी बनाना सीखती हैं तो रोटी कभी कभी गोल, एक बार में गोल नहीं बनती, कभी तिरछी भी होती है, कभी कुछ भी होती है। इसी हिसाब से सिलाई भी है, आप सिलाई में ख़राब भी करेंगे, ये नहीं कि ख़राब हो गया सूट महंगा है, भाई सस्ते कपड़े पे थोड़ा ट्राई करो, जब ट्राई करोगे तभी तो आप महंगे कपड़ों को पकड़ोगे। आप उसी हिसाब से, जैसे आपको रोटी गोल बनानी आएगी ना, उसी हिसाब से आपका ये निशान लगाने का तरीका, ये कटिंग करने का तरीका, ये सब कुछ एक दिमाग में फिट हो जाएगा, तो आपको नोटबुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये आपके लिए इतनी आसानी रहेगी इससे, क्योंकि ज़्यादातर 50 ब्रेस तक होता है, मान लीजिए इससे ऊपर हो जाएगा या नीचे होगा, तो आप जब तक इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 41-42 साइज, तो ये चीज़ सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, गौर से जो मैं समझा रहा हूँ आप समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा 41 और 42 साइज, 41 एंड 42। ये हमारा जो हम नाप लेते हैं बॉडी का, उसमें लूजिंग देने के बाद अगर 41 तैयार है या 42 तैयार है, ठीक है, ये इसका आधा नाप होगा हमारा 42 का 21 इंच। तो ये जो मैं आपको नाप बताता हूँ, ठीक है, ये हाफ नाप बताता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखें, आप जैसे कमीज़ का नाप लेते हैं तो कमीज़ के नाप में लूजिंग नहीं देनी होती, वो मैंने अपनी मेजरमेंट की वीडियो में समझा रखा है। तो अगर किसी को मेरा नाप समझ में नहीं आता तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप मेरी मेजरमेंट की वीडियो देखें, चाहे प्लाजो की हो, कमीज़ कटिंग की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, जब तक आप वो वॉच नहीं करेंगे तो आपको मेरा नाप समझ नहीं आएगा। नाप में मैं आपको बता देता हूँ 3-4 चीज़ें हैं, जैसे यहाँ से हम निशान लगाएंगे, ये होती है, इसे कहते हैं हम आर्मोल लेंथ, ठीक है। ये जो दूसरी आती है इसे कहते हैं हम प्लेट लेंथ, यहाँ पे हमारी जो प्लेट लेंथ होती है यहाँ पे हमारा ब्रेस्ट का नाप तैयार, मतलब ब्रेस्ट नाप आता है, ठीक है। ठीक, दूसरा हमारा ये जो ब्रेस्ट कमर लिखी है, तो ये कमर जो है हमारे कमर का नाप जहाँ पर आएगा उसका रखेंगे, ये हिप का नाप हो गया, ठीक है। यहाँ से हम चाक ओपन कर देते हैं, इस जगह से हम चाक ओपन कर देते हैं। तो इसमें और नाप क्या होते हैं, ये वाला जो आपका नाप आ रहा है इसे हम तीरा कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो निशान जा रहा है आपका, इसे हम फ्रंट कहते हैं। इस चीज़ का आप ख्याल जरूर रखें और मैं बताऊंगा आपको कि इसमें कितना तीरा, कितनी आर्मोर लेंथ, कितना फ्रंट रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आप ब्रॉड अपने हिसाब से रख सकते हैं, 7 इंच 6 इंच 5.5 इंच, जैसा आप पहनना पसंद करते हो उस हिसाब से ब्रॉड रख सकते हो, ठीक है। लेकिन कम से कम इसमें 5.5 इंच ब्रॉड होना जरूरी है इस साइज़ में। तो 5.5 इंच ब्रॉड अगर रखते हैं हम तो बढ़ा भी सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। इसमें फ्रंट लेंथ रहेगी, जो फ्रंट होता है इसका, यहाँ से हम नापते हैं इंची टेप रखे यहाँ पर, तो इसे फ्रंट हो कहते हैं,
तख्ती फ्रंट, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच होगी। 6.25 इंच होने के बाद हमारी ये जो आर्मो लेंथ है, अगर 1 से 4 इंच तक हमारा गला डीप है तो हमारी यहाँ से आर्मो लेंथ आएगी 7.5, 7.5 इंच पे हमारी आर्मो लेंथ आएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ 6.25 पे निशान लगाएंगे। और अब हमारा जो तीरा बैठता है 1 से 4 में 15 या 15.5 का बैठता है, तो जिसका जहाँ तीरा बैठे उसमें आप तीरे के साथ हल्का मार्जिन भी देंगे, क्योंकि ये गला आपका फैलता नहीं है। मान लीजिए गोल गला छोटा है तो गला बनाने का वो फैलेगा नहीं, तो हम इसमें बाजू के लिए जो चढ़ाएंगे उसमें हल्का मार्जिन भी छोड़ेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। फिर ये जो आप यहाँ पे जो कुटका होगा आपके गले ब्रॉड का, आप यहाँ से कंधे को 1/2 इंच डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ से कंधे डाउन करेंगे, यहाँ पे आप तीरा रख लेंगे, तीरे को इस हिसाब से ले जाने के बाद आप यहाँ पे एक शेप दे दें ऐसे, तो ये आपका फ्रंट तैयार हो गया, ठीक है। और बैक, हमारी बैक को हम जितना यहाँ पर है ना इस हिसाब से सीधा भी रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये सीधा हो गया, यहीं से हम एक राउंड ले लेंगे ऐसे करके, तो बैक तैयार हो गया हमारी। ये बहुत इजी होता है, ठीक है। मैं आपको फ्रंट का बताता हूँ, बैक तो आप हल्का सा फालतू रख के काटेंगे 1 इंच के आसपास, 1.75 इंच आप फालतू रख के काटेंगे, तो आपका ये इस हिसाब से कटेगा 1 से 4 इंच में, 15 से 15.5 इंच तीरा तैयार आएगा। लेकिन अगर आप किसी का नाप लेके, जिसका मान लो 15 बैठे या 15.5, उस हिसाब से आप इसमें बाजू के लिए मार्जिन ज़रूर छोड़ें, ठीक है। वो कंधी 1/2 इंच डाउन कर लें। और अब एक बार और दोबारा बता देता हूँ आपको, 1 से 4 इंच में आप यहाँ से लेके जो आर्मो लेंथ गिराएंगे वो 7.5 पे गिराएंगे, इसका फ्रंट रखेंगे 6.25 इंच, ठीक है। 6.25 6.5 भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब गला छोटा होता है हमारा तो ये चीज़ ज़्यादा तिरछी ना हो तो हम थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे फंसेगा नहीं ज़्यादा, इस जगह पे हमारे टाइट नहीं होगा, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और जो आपका तीरा होगा वो आपका जो तीरा तैयार बैठेगा उस हिसाब से निशान लगा के एक यहाँ से शेप दे के फुट्टे से, ठीक है, हल्की कंधी डाउन कर दें, जहाँ से आपका गले का कुटका होगा यहाँ से आप 1/2 इंच कंधी डाउन कर देंगे, तो ये आपका 1 से 4 इंच में 15 से 15.5 तीरा बैठेगा। अब हमारा गला, अगर बैक गला, आगे का गला 6 7 8 भी हो, जब भी हम जो मैं तीरा बताऊंगा वही रखेंगे हम, अगर आपका बैक गला 5 से 6 इंच है तो हमारा तीरा जो तैयार आएगा वो आएगा 6 इंच। फ्रंट लेंथ अब सब में 6.25 इंच रहेगी, और फ्रंट जो है हमारा 6.25 इंच रहेगा ये वाला हिस्सा, और यहाँ से जो लेंथ आएगी आर्मो लेंथ जिसे हम कहते हैं ये 7.25 इंच पर आएगा, 41 और 42 में 7.25 इंच पर आएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 7.75 में आएगा, अब सारी मतलब पूरे नाप में 9-10 गले तक 7.75 निशान लगाएंगे, और यहाँ से निशान 6.25 पे लगाएंगे फ्रंट का। अब मैं बस आपको तीरे का बताऊंगा, इस चीज़ का ध्यान रखें, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ से जो आप निशान लगाएंगे आर्मो लेंथ की 7.75 इंच लगाएंगे 5 गले से 10 गले की डीप तक, और यहाँ से जो निशान लगाएंगे ये 7.6 इंच पर लगाएंगे, ठीक है। अब अगर ये वाला जो तीरा ये आपका कम होता रहेगा, कैसे कम होगा बताता हूँ, आपका 5 और 6 इंच बैक गला है अगर, तो आप यहाँ पे 6 इंच तीरा रख देंगे, ठीक है। अगर 5 और 6 बैक गला है आपका तो आप यहाँ पे 6 इंच तीरा रखेंगे, ये आपका कम हो गया इतना, ठीक है। यहाँ से तिरछी यूँ लाइन जाएगी एक, ये फ्रंट यहीं रहेगा लेकिन ये तिरछी जाएगी, ठीक है। अब हमारा गला आ गया 7 और 8, 7 और 8 गला है तो हम 5.25 इंच भी रख सकते हैं, 6 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा और कम कर लेते हैं, ये तीरा कम हो गया और फिर इसको इस हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए तीरा इस हिसाब से कम होता रहेगा, और अगर हमारा 9 से 10 इंच गला है तो हम 5.5 इंच रखेंगे, तो 5.5 इंच में हम थोड़ा तिरछा और कर लेते हैं, ये इस हिसाब से आर्मो लेंथ हमारी वही रखेगी 7.75 इंच, फ्रंट 7.6 इंच। आप यहाँ से फिर गोलाई देते रहे अपने हिसाब से और कटिंग करके बना ले, तो आपका ये बहुत बढ़िया बनेगा। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, इसे आप नाप को भी एक बार समझ लें। 1 से 4 इंच है अगर गला आपका तो 15 से 15.5 तीरा बैठता है, लेकिन जिसका जो तीरा तैयार हो उसमें आप बाजू का आर्मोल का बाजू चढ़ाते हो जो मार्जन होता है वो ज़रूर रखें। 5 से 6 इंच गला है अगर, ठीक है, तो 6 इंच की आप तीरा रखेंगे, बाकी जो फ्रंट होगा वो 6.25 रहेगा, आर्मो लेंथ 7.75 रहेगी। 7 से 8 इंच अगर बैक गला है तो आप 5.25 से 6 इंच तीरा रख सकते हैं, फ्रंट आपका 7.25 रहेगा, आर्मो लेंथ आपकी 7.75 रहेगी। अगर बैक गला 9 और 10 है तो आपकी आपका जो तीरा होगा 5.5 इंच रहेगा, ये तीरा कहते हैं इसको, ये वाला हिस्सा 5.5 रहेगा, आर्मो लेंथ 7.75 रहेगी, फ्रंट इसका 7.6 रहेगा। तो ये आपका मतलब 5 से 10 तक हो गया। आपको इन चीज़ में सबसे पहले जो एक चीज़ है वो नोट करें, आप बहुत ख़ास तौर पे ध्यान रखें इस चीज़ का, अगर आपका बैक गला 1 से 4 इंच तक है तो आपका ये जो तीरा होगा आप तीरे में जो बाजू चढ़ाने का मार्जिन होगा वो अलग से छोड़ेंगे, लेकिन
जो 5 से 10 इंच तक गला डीप होगा, इसमें जो निशान आपको बताया ना मैंने, 6 रखें या 6.25 रखें 5.5 रखें, तो आप यहाँ से फिक्स काटेंगे, इसमें कोई मार्जिन नहीं रखना, ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 41 से 42 में आपको 13 फ्रंट और आर्मोर लेंथ कितनी रखनी है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा आता है बाजू का मेजरमेंट। तो दोस्तों हमारा 41 और 42 साइज़ में आर्मोर तैयार कितना आएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम जब बाजू 4 फोल्ड करते हैं तो यहाँ से 3.5 इंच पे हम निशान लगाते हैं। आप 3 इंच पे भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आप चलेंगे तो 3.5 इंच पे निशान लगाएं। ठीक है, यहाँ से आप जब सीधा एक निशान लगा लेंगे तो यहाँ पे हमारा तैयार आर्मोल आता है, जो हमारा 41 और 42 में तैयार आर्मोल आएगा वो आएगा 8.25 इंच। ठीक है, लेकिन आप इसका फार्मूला एक निकाल सकते हैं, जो मेरी बॉडी टिप्स मेजरमेंट वाली वीडियो है आप उसे वॉच करें, उसमें मैंने बता रखा है कि आप यहाँ का आर्मोल का फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। हो सकता है वो आर्मोल जो है 9 इंच बैठे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप खास तौर पर ध्यान रखें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।